ऑल ऑफ यू। हाँ जी प्यारे बच्चों, बच्चों एक क्विज नंबर 5 हमने लास्ट क्लास में बात की थी। सॉल्यूशन उसका मुझे देना था 11 से 20 क्वेश्चंस का, है ना। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया। हाँ मुझे सही बोल रहे हो आप, उसमें मुझे 2 क्वेश्चन गलत भी लगे। चलिए एक तो हम सुधार लेंगे, दूसरा क्वेश्चन मुझे कुछ ज़्यादा गलत लगा। तो चलो देखते हैं बच्चों, ये जो क्वेश्चन है जो बेसिकली 10 जुलाई 2019 को CHSL टायर 1 में पूछे गए थे, उसको हम कैसे समझ के कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इसमें हमने देखा था कि एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो ध्यान से देखो। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये परसेंटेज टॉपिक का बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। परसेंटेज टॉपिक में एक ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें ये आता है कि भाई ए इक्वल टू बी क्रॉस सी वाले प्रश्न, है ना। मैं स्पेशली ए इक्वल टू बी क्रॉस सी वाले क्वेश्चन करके ही बोलता हूँ, ठीक है। आप मेरे चैनल पर जो भी मैंने डाले हुए उसमें आप देख सकते हैं। तो एक मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है आपका रिलेशन, वो होता है एक्सपेंडिचर, है ना। एक्सपेंडिचर इक्वल टू, है ना, किसी भी चीज़ में खर्च क्या होता है, तो वो होता है बच्चों प्राइस इंटू कंजप्शन। प्राइस को कंजप्शन से गुणा करें तो वो चीज़ में होता है। हिंदी में यहाँ पे देते हैं मूल्य और खपत। तो ये अधिकतर ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो क्या आता है कि बी में चेंज कर दिया तो बताओ सी में कितना करें कि ए चेंज नहीं हो, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसका भी हमने देखा था। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, बी में चेंज हो गया सी में चेंज हो गया तो बताओ ए में कितना चेंज होगा। वैसे इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ फॉर्मूले भी लगाते हैं, जैसे अगर आपको परसेंटेज चेंज इन ए आपको देखना है कि ए में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो बी में जितना भी हुआ होगा अगर इंक्रीज हुआ है तो प्लस, डिक्रीज हुआ है तो माइनस, और सी में भी जितना इंक्रीज डिक्रीज प्लस माइनस एक्स और वाई। तो ये तो एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब मैं डू नॉट प्रेफर कि आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन करो, ये बिल्कुल कॉमन सेंस से करना। देखो इसमें क्या कहता है, द प्राइस ऑफ शुगर गॉट राइजेस बाय 25%, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। मतलब ये जो है ना बच्चों 25% इंक्रीज हो गया। टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ एक्सपेंसेस ऑन शुगर ए पर्सन रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ शुगर बाय 4%, चीनी पर खर्च को नियत रखने के लिए व्यक्ति खपत को 4% से कम करता है। मतलब जो आपको ये भी पता रखा है कि 4% से क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, बट ऐसा हुआ नहीं, कॉन्स्टेंट नहीं रहा, क्यों। एंड ऑल्सो इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर एक्स परसेंट से बढ़ गया, तो पूछा है बताओ एक्स में कितना चेंज हुआ। तो इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड तो क्या है, आप पहले को 25 -4 और माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, ये एक तो ये हुआ मेथड, ऐसे कर लो, ठीक है। अच्छा ये तो पूरा 1 हो गया ना, 25 100, तो ये 1 आ गया, तो यहाँ तो देखते ही बता दिया, अच्छा सा 20% इसका आंसर आ गया, प्लस में आया मतलब इंक्रीज, तो आप देखते टिक मार सकते हो, ये भी आसान है। अच्छा ये आसान क्यों था, क्योंकि इसमें ये नंबर्स है ना बहुत आसान थे। कभी कभार ये नंबर जब आ जाए 28 and 4/7%, तब थोड़ी मुश्किल आती है, तब हम इसका बेसिक फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। 25% मतलब क्या होता है, 1/4, कि कोई चीज़ 4 है तो कितना बढ़ गई बच्चों, 4 में 1 बढ़ना मतलब 5 बढ़ गई। अच्छा 4% मतलब क्या होता है, 4/100 को काटोगे तो क्या आएगा, 4/100 को बच्चों आप कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 1/25, तो 25 में 1 कम कितना हो जाएगा 26। देखो कितना सिंपल। तो आपको पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरा पहले का खर्चा आ जाएगा कितना 100, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास दूसरे का खर्चा आ जाएगा कितना, 5 6 30 3 5 2 नहीं, है ना, 5 6 30 का जीरो हासिल लगा, 3 5 2 10 और 1 13, ठीक है, सही है क्या। अरे 25 से, अच्छा, सॉरी सॉरी, कंजप्शन अपना कम हो गया था ना 25 में 1 कम। अच्छा इसको सही कर लो, इसको 24 कर लो, है ना, 24 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 120, ठीक है बच्चों। हाँ 5 20 का 0 से 2 5 10 11, तो अब आप देखो आपका खर्चा कितना हो गया, 20 बढ़ गया बस, तो ये इसका आंसर आ गया, 20% से इंक्रीज हो गया। तो मैंने 2 मेथड बताए, या तो आप फॉर्मूला लगा दो या आप ऐसे कर लो, दोनों को आ जाएगा। इस ये बड़े फेमस क्वेश्चन है, अक्सर आते हैं एग्जाम में, इसको अलग से याद रखो आप। इसका सेकंड क्वेश्चन था, ये मिसप्रिंट था, ठीक है। ओके यहाँ पे मेरा उधर थोड़ा चले गया, है ना। इफ यदि ए प्लस 1/a, अच्छा ये देना भूल गए, तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू थी यहाँ पे, ये 3 वैल्यू थी, ये एग्जाम में भी देना भूल गए थे, तो ये गलत हो गया क्वेश्चन आपका, है ना। तो आपको बताना है ए6 प्लस 1/a की पावर 6 क्या होगा,
ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो वैसे जिन बच्चों ने एलजेब्रा पढ़ी उनको पता है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले हम ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर निकालते हैं, और वो होता है ए प्लस वन अपॉन ए का जो भी स्क्वायर होगा माइनस टू। तो ये पूरा लिख मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना जाएगा, 7। अच्छा, उसके बाद हम लगाते हैं ए की पावर 6 और 1/a की पावर 6 को कैसे लगाते हैं, वैसे तरीके बहुत हैं। मैंने लगाया ए का स्क्वायर का क्यूब, उससे आ जाएगा, और 1/a का स्क्वायर का क्यूब। तो आपको पता है किसी का भी क्यूब का फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं अगर आपको पता हो तो, वो होता है एक्स प्लस 1/x³ माइनस 3x+1/x, ऐसे लिखा जाता है बच्चों। अब यहाँ पे एक्स की जगह कौन है, ए स्क्वायर, यहाँ पर एक्स की जगह कौन है, एक्स ए स्क्वायर, देखो बस इतना सा चेंज है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स प्लस 1/x³ माइनस 3x के कौन है, ए का स्क्वायर प्लस 1/a² बस ये होगा। और इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली कितना हो गया, 7 की पावर 3 माइनस 3 × 7। बताओ कहाँ टाइम लगा इसमें और कौन सा मुश्किल क्वेश्चन है। 343 माइनस 21 कितना हो गया, बन गया 2 2 3, 322। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आया बच्चे क्वेश्चन में, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा देखो कितना प्यारा, ये डीए आपको मान के चलो कि आपके 4 क्वेश्चन डीए के मिलने ही हैं, और डीए के जो 4 क्वेश्चन थे ये टेबुलर नहीं सॉरी बार बार वाले थे, है ना, बार डायग्राम कहते हैं। बड़ा स्टैंडर्ड का लग तो रहा है, पर इस 4 में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना, बाकी तो सब ऐसे हो गए थे, ठीक है। देखो अब अगर आप इसको देख के डर गए तो आपके 4 क्वेश्चन गए, ध्यान से पढ़ो। पहले ए बुक हैज बीन को ऑथर्ड बाय एक्स एंड वाई, एक किताब एक्स और वाई द्वारा संपादित की जाती है। अच्छा दो बंदे हैं, एक तो कौन है एक्स और एक कौन है बच्चा वाई। अच्छा मेरी तबीयत बहुत खराब थी इसी कारण ये क्लास थोड़ी लेट ले पा रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी भी तबीयत पूरी ठीक नहीं हुई है ना बच्चा, तो आई एम रियली सॉरी लेट होने के लिए। द प्राइस ऑफ बुक इन इंडिया एंड अब्रॉड इज 800 एंड 1000। कहता है कि किताब का मूल्य इंडिया विदेश में क्रमशः 800 रुपये और 1000 है, चलो ये भी ठीक है, 800 और 1000 है किताब। द रॉयल्टी अर्न ऑन सेल इन इंडिया एंड अब्रॉड 10% एंड 6। अच्छा देखो आपको क्या बताया कि इंडिया में जो 800 रुपये की किताब है उस पर उन ऑथर को मिलता है 10%। अब बच्चों आपको बताने की जरूरत है कि 10% कितना होता है, 80 रुपये और क्या। तो एक बुक पे 80 रुपये मिलता है, बस ये मोटा मोटा याद रखो। दूसरा, जो फॉरेन में बुक बिकती है 1000 रुपये की, उस पर मिलता है 16%, 16%। अब 16% में क्या मतलब कौन सा टाइम लगता है बताओ, मतलब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ 1000 का 16%, मैंने कहा नहीं मुझे फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं करना, मैं तो 0 0 0 काटता हूँ, तो आपको हल्का सा आइडिया हो गया कि बच्चों कि इसको 160 रुपीज़ है, मतलब जस्ट इसका डबल, देखो इसको जस्ट इसमें डबल डबल मिल रहा है ना। चलो आगे देखते हैं। अदर रॉयल्टी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट अमन एक्स एंड वाई। अच्छा एक्स एंड वाई जो दोनों ऑथर है उनको उनको 5:3 में रॉयल्टी मिलती है, ठीक है, रॉयल्टी की राशि एक्स वाई में 5:3 में बांटी जाती है। अब आप दिख रहा है इन क्वेश्चन में परसेंटेज और रेशो दोनों का यूज है ना, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, सारे क्वेश्चन बहुत आसान होंगे। द गिवन बार ग्राफ, इसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम देना है, आप बोलो सर इतना टाइम एग्जाम में होता नहीं है, तो गलत, 4 क्वेश्चन की बात है और डीए के क्वेश्चन गलत होने ही नहीं चाहिए। 4 क्वेश्चन में अगर मैं मान के चलूँ एक क्वेश्चन को मैं 30 सेकंड भी दे रहा हूँ या फिर आधा मिनट भी दे रहा हूँ, तो 2 2 मिनट तो देना ही पड़ेगा ना, 1 मिनट आप पढ़ लो इसको अच्छे से, ठीक है। द रॉयल्टी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, द गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉपी ऑफ बुक सोल्ड इन द। अब देखो ये कहता है ए मतलब इंडिया, बी मतलब फॉरेन, इसमें 2012 में कितनी बुक हुई, अच्छा यहाँ पे जो है ना 100 का मल्टीपल ये सब दे रखा है, ठीक है। अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रॉयल्टी अर्न बाय एक्स एंड वाई ड्यूरिंग द 2014-15। देखो ये कहता है 2014 और 2015 में एक्स और वाई की जो रॉयल्टी है उसमें कितना डिफरेंस है, अब देखो रुपए में आंसर है, मतलब आपको एक्चुअल निकालना है, तो देखो कुछ करना नहीं है, एक्स और वाई की रॉयल्टी पहले तो आप क्या करो इंडिया इंडिया का निकाल लो। इंडिया में ये बुक 2014 में 3.5 थी और 2015 में 5 थी, तो 3.5 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 8.5, और 8.5 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 850, 850 इनका आप समझ रहे, टोटल निकाल लो पहले आप, है ना, 850 इनकी इंडिया में बुक बिकी और एक बुक पे कितना मिलता है 80 रुपये प्लस। अब फॉरेन में देखो कितना 4.5 और 5.5, 4.5 5 कहता है 5 4 9 10 होता है ना, 10 को 100 से गुणा करो तो कितना 1000, तो 1000 किताबें बिकी इनकी,
और एक बुक पे कितना मिलेगा, 160 रुपीज़। देखो कहाँ टाइम मिला। अगर कभी आपको कैलकुलेशन में आसान मुश्किल भी आती है, तो ये 80 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये सिंपल सिंपल हो जाता है 850 प्लस 2000, ठीक है। तो आपको 2850 को 2850 को 80 से गुणा करने पे टोटल आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 0 0 8 में 40 का 0 हंसे लगा 4 64, 8 हंसे लगा 6 8 16 और 6 22। तो ये टोटल आ गया, इनको टोटल इतना पैसा मिला। अब इतना जो पैसा मिला इनको टोटल, उसमें इनको 5:3 में मिला है। मतलब टोटल जो 8 मिला उसमें आपको क्या पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 2 रेशो की वैल्यू पूछा है। तो बस कितना सिंपल है, 8 रेशो की वैल्यू कितनी है, इतनी। तो 2 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, एक की होगी इतने बटा 8, और 2 रेशो की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये है 2280, एक और 0 है ना बच्चों, हाँ एक और 0 है, इतना मिला था 8 रेशो में, तो 2 रेशो में कितना होगा। चार पंजे 20 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, 4 पंजे 20, 7 हो गया है ना, 1 2 3। अरे वाह, ये आंसर आ गया। देखो तो कोई हार्ड नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे आप पसंद में आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो ये वही क्वेश्चन, तो वही, ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है अब तो। कहते हैं व्हाट इज द टोटल अमाउंट रॉयल्टी पेड टू द ऑथर ड्यूरिंग द, अच्छा 2012, 2013 और 2016 में ऑथर को कुल कितना अमाउंट मिला। अरे उसमें क्या हो गया, पहले इंडिया को गिन लो, 2.5 में 3 जोड़ो कितना हो गया 5.5, 5.5 में 3.5 जोड़ो तो कितना हो गया 9, 9 में 5 जोड़ो तो अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या जोड़ रहा हूँ मैं यार, आई एम सॉरी, यही जोड़ना था, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है। अच्छा 2.5 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया 5.5, और इसमें 4 जोड़ा तो कितना हो गया 9.5, 9.5 में 100 का गुणा किया तो कितना आ गया 950। और एक बुक पे इंडिया वाले पे कितना मिलता है 80 रुपये, ठीक है। अच्छा फॉरेन की देख लो, 4 और 5 9 और 6 15, तो 15 मतलब इसको 100 से गुणा करो 1500, और एक बुक पे कितना मिलता है 160। बस इनको जोड़ना है और आपका आंसर, ठीक है। आप कैसे भी जोड़ना चाहें, मैं 80 से कॉमन लेके मुझे अच्छा लगता है, 950 प्लस यहाँ पे 2 हो जाता है, तो 15 दूनी 30, तो मुझे बेसिकली 80 × 3950 से आंसर आ जाना चाहिए टोटल, है ना। पूछा है 0 0 8 में चलेगा 0 से लगा 4 8 9 72 और 76 का 6 ऐसे लगा 7 8 3 24 और 3 1, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या। अरे वाह गुड, आ गया बच्चों, टाइम नहीं लगाना, बस ये अवेयरनेस वाले होते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रॉयल्टी अर्न इन द फॉलोइंग केसेस, निम्नलिखित केसों में प्राप्त रॉयल्टी का अनुपात क्या है। कहता है कि एक्स का इंडिया में 2013 और 14 में कितनी रॉयल्टी मिली। अब देखो अनुपात पूछा है ना, रेशियो पूछा है, जब भी किसी क्वेश्चन में अनुपात पूछे तो एक्चुअल नहीं भी हो तब भी चलेगा। अब आप बोले सर उसमें कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो 100 है, कोई बात नहीं, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करो तब भी चलेगा। हाँ आपको पता है कि इंडिया की बुक का प्राइस और एब्रोड की बुक का प्राइस आप 1:2 में है, तो इसको 1:2 भी ले सकते हो अगर कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक्स का 2013, एक्स का तो देखना है 2013 का और 2014 का। तो चलो पहले इंडिया को देख लेते हैं, हाँ तो ये 3 और, अरे यार तो 13 14, ठीक है 13 एंड 14 का देखना था, तो ये कितना हो गया 6.5, तो 6.5 हो गया वैसे आपका 6.5, 650 हो गया, 100 से गुणा करेंगे, इतनी बुक है इंडिया वाली, और एक बुक पे कितना मिला 80 रुपये, एक ही लिखो बस, 80 की जरूरत ही नहीं प्लस। अब देखो इसमें फॉरेन में क्या है, 5 4, 9.5, 9.5 की गुणा करेंगे 950, और फॉरेन वाली बुक का 2 मिला। अच्छा इसमें से भी एक्स को कितना मिलता है, एक्स को मिलेगा 5/8, तो ये हुआ एक्स का पार्ट। चलो बी का पार्ट देखते हैं, और वाई का 2015 लेना है, वाई का 2015 और 2016, यहाँ पे वाई लेना है, यहाँ पे लेना है बच्चों एक्स का, और यहाँ पे लेना है वाई का, सॉरी वाई का। तो इसमें वही करो, 5 और 4 9, इंडिया में कितनी बुक थी 9 बुक थी, और 100 से गुणा किया तो 900, और एक बुक पे 1 रुपये, मैंने ऐसे ही रेशियो में लिख दिया, ठीक है। अब फॉरेन में देखो 5.5 और 6 कितना हो गया 56, 11 11.5,
11.5 को गुणा किया तो कितना आ गया 1150, और क्या हो गया 2। पर ये y को कितना मिलेगा 3/8। आपको समझ में आ रहा है? सो दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव कभी कभार हो जाता है, तो वो आपको कैलकुलेशन देखना है, ठीक है। सो ये आपसे पूछा था इन्होंने 65950। ओके, निम्नलिखित में रॉयल्टी का अनुपात क्या है, एक्स का इंडिया में 2013 और 14 में बिक्री और वाई की 2015। अच्छा, ओके ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो चलो कोई नहीं, अभी अभी हम यहीं पे मिस्टेक को सुधार देते हैं। हम मिस्टेक क्या हुआ कि सिर्फ इंडिया का ही पूछा था इन्होंने, एक्स का, और वाई का विदेश का पूछा था, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे वापस से लिख देता हूँ, आप इसको मत देखना, ठीक है। ये मैंने पूरा लिख दिया, तो देखो एक्स का सिर्फ इंडिया का लिखा था, तो बस तो और भी आसान हो गया है ना। एक्स का इंडिया का कितना था, 6.5, तो ये 650 था, मतलब 6.5 था, और तीनों तीन छः, 6.5 को अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 650, ठीक है। तो यह था 650, और इसमें इसमें सिर्फ 1 लिख दो आप, और उसका 5/8, बस इतना सा क्वेश्चन था, देखो इतना सा। अच्छा, इसका पूछा है आपको वाई का 15 और 16 का क्या था, और विदेश का चाहिए 5.5 और 6 का, ये थोड़ा आसान था, मैंने हार्ड सोच लिया। 11.5 है, उसको 100 से गुणा किया तो क्या है 1150, और इसकी रेट कितनी है 2, और इसका हिस्सा कितना है 3/8, बस इनका रेशियो पूछा था बस, है ना। तो 8 से 8 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काट देते हैं, 5 2 10, 5 3 15, और कट रहा है कुछ 2 3 5, 65 आ गया, ये तो है ना 65 रेशियो, और ये हो गया 6, 6 × 23 कितना हो गया, 6 3 18 का 8 से लगाए हैं, 6 3 12 1 13, 138, 65 रेशियो 138 कुछ रेशियो, अरे वाह गुड, ये आसान था, हम इतना पूरा नहीं पूछा था, तो इसको काट दो आप, ये आसान था, बहुत सिंपल सिंपल, ठीक है। एक्स का 2013-14 में सिर्फ इंडिया का पूछा था, मतलब ये वाला और ये वाला, और वाई का 2015-16 में सिर्फ फॉरेन का पूछा था, मतलब ये वाला और ये वाला बस, और रेशियो था, तो प्राइस को मैंने 80 और 160 की जगह 12 कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 80 और 160 कर दो तब भी कट जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, देखो 60, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द बुक सोल्ड इन इंडिया डूइंग 2014 एंड 15, ठीक है। अरे ये तो कुछ नहीं करना, 2014-12 से 15 तक इंडिया में कितनी बुक, अरे तो जोड़ लो, उसमें क्या है, 2.5 में 3 जोड़ा कितना है 5.5, 5.5 में 3.5 जोड़ा तो कितना आ गया 9, 9 में 5 जोड़ा तो क्या गया 14, 14 आ गया, 100 से गुणा कर दो 1400, बस बोला था ना कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं। अच्छा बताइए, ये जो क्वेश्चन है ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा, इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि इसके नीचे ये पूरी टर्म्स ऐसे होगी, ऐसे होना चाहिए। अच्छा ये भी देखो कुछ गड़बड़ है, साइन स्क्वायर 60 होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, यहाँ पे 1/ ये पूरा है या सिर्फ ये साइन है, तो मुझे ये क्वेश्चन, मैं इसको गलत कर रहा हूँ, मैंने बहुत दिमाग लगा लिया और अभी मेरी तबीयत भी खराब है, मुझसे नहीं समझ में आ रहा कि इन्होंने लिखने में कुछ मिस्टेक की है, तो आई थिंक दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मुझे रॉन्ग लगे, तो मैं अभी दिमाग नहीं खराब कर रहा, क्योंकि अब मुझे दवाई खा ली है, मुझे भी नींद आ रही है, इसलिए आप जल्दी से बचा हुआ पोर्शन करते हैं। मैंने बताया था, देख आप देख रहे हो CHSL में हर बार ये क्वेश्चन आ रहा है, NTPC में भी आया था याद है, मतलब बोर्ड मास वाला आता ही है, रूल क्या है, बोर्ड मास सिखाया था, बोर्ड मास ऑफ जहाँ आए उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और उसको सबसे पहले सॉल्व करना है, तो ऑफ की जगह लिख दो (8/5), उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को देखना है 11/5, उसके बाद इसके अंदर भी ब्रैकेट है तो उस वाली चीज को देखो 5/16 प्लस 3/5 (15/8), ठीक है। उसके बाद डिवीजन है ना, डिवाइड जो होता है उसको देखना पड़ता है, याद है ना, डी फॉर डिवीजन, बोर्ड मास वाला रूल, तो इसको आप करोगे 3/2, आप इसको सॉल्व स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, ऑफ तो हमने सबसे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट दो, 5 से कट रहा है, 5 3 15, और तो कुछ नहीं कट रहा, देखो नीचे भी 16, यहाँ पर भी 16, ऊपर कितना हो गया 15, तो देखो ये क्या हो गया 11/5 माइनस, दोनों में 16 16 ले लो आप, तो ऊपर तो हो गया 5, इधर क्या हो गया 3 27, ये हो गया, तो यहाँ से आपका आ गया 11/5 माइनस
अरे वाह, 32/16 आ गया, ये तो 2 ही आ गया। और इसको करोगे तो क्या, 11 - 10/5, तो ये तो 1/5 आ गया। अब देखो यहाँ पर ये 1/5 है और ये क्या है, डिवाइड। तो आप क्या करोगे, 1/2 × 8/5, और डिवाइड को मल्टीप्लाई करके ऊपर 5/1 होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। बस इतना सिंपल सा, ये आता है बच्चों हर साल, है ना। अच्छा देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या। अच्छा वैसे आपको मैं बता दूं एक जनरल आइडिया, रेशनल और इरेशनल, है ना। हाँ, तो रेशनल और इरेशनल का मैं एक जनरल आपको आइडिया बताता हूँ कि जो भी क्वांटिटी आपकी इरेशनल होती है उसका एंड नहीं होता, या आप मोटा मोटा जान लो जो भी रूट में होती है ना सब इरेशनल होता है। हाँ, रूट चार को मत बोलना क्योंकि रूट चार का तो आंसर पता है 2 होता है। तो जो क्वांटिटी का एंड नहीं होता या जिसका फ्रैक्शन पार्ट न तो रिपीट होता है ना दोहराया जाता है, उसको बोलते हैं इरेशनल। तो बस मोटा मोटा क्या रखना है, रूट रूट में जो भी संख्या होगी ना, रूट या पावर में, है ना, 17^3/11, ये सब आपकी इरेशनल नंबर होगी। अच्छा 10/30 तो पता ही है सबको, 1/√3 होता है, और 10/60√3 होता है, तो 1, तो 1 तो रेशनल नंबर हुआ, 7/30 1/2 रेशनल नंबर, 10/40 1 होता है, cos 30 कितना होता है, ये हो गया इरेशनल, √3/2√3 आ रहा है। ये भी कोई क्वेश्चन नहीं क्या, देखते टिक मारो आगे बढ़ो। ठीक है, अच्छा ये ज्ञात है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ए इन द गिवन एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए। अच्छा ट्राइंगल का बड़ा खतरनाक है, एरिया तो ए दे दिया, वैल्यू ऑफ इट्स पैरीमीटर, अच्छा पैरीमीटर को पी दे दिया, मतलब परिमाप को, अंतर त्रिज्या को आर दे दिया, सर्कम रेडियस परि त्रिज्या को दे दिया कैपिटल आर, और एवरेज ऑफ मीडियन मतलब तीनों माध्यिकाओं के औसत है, 3 दे दिया। तो पूछा है आपसे, और यार ये कोई क्वेश्चन है क्या, एरिया और पेरीमीटर का रेशियो बताओ, एरिया और पेरीमीटर मतलब तीनों हो जाए। अब बच्चे ये जो क्वेश्चन है इसको कोई नहीं कर पाएगा, एसएस तो नहीं कर पाएगा इसको देख कर, तो पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन है। पर एक बात कंफर्म है कि जो भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पता होता, सिर्फ बोलते हैं ट्राइंगल त्रिभुज, तो वो हर ट्राइंगल के लिए वैलिड है, इट इज वैलिड फॉर ऑल ट्राइंगल। तो क्यों ना हमें, और देखो एग्जामिनर भी यही चाह रहा है कि आप थोड़ा कॉमन सेंस ये लगाओ कि ये जो क्वेश्चन है अगर उसमें उन्होंने नहीं दे रखा तो ये हर ट्राइंगल के लिए वैलिड है, तो कोई भी ट्राइंगल आप ले सकते हो, इवन आपका मनपसंद ट्राइंगल लेकर चेक कर सकते हो। और मैं हमेशा इक्विलेटर ट्राइंगल में जाता हूँ क्योंकि मुझे उसके फॉर्मूले पता है, इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4a², इक्विलेटर ट्राइंगल का पैरीमीटर होता है 3a, इन रेडियस होती है a/√3, सर्कम रेडियस होती है a/√3, मीडियन मीडियन का सम है ना, इसका तीनों मीडियन की लेंथ होती है √3/2a, और इसको 3 से गुणा किया और अपॉन 3, तो ये भी होती है √3/2a, तो ये सब मुझे पता है। अब देखो एरिया है तो मैंने यहाँ पे रख दिया √3/4a² और p की जगह रख दिया 3a, तो मुझे ये पूछा था, तो एक इससे तो ये a कट जाएगा है ना, और √3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा √3। अच्छा तो बेसिकली ये जो आया है वो क्या आया, a/4√3 आया। अब आप बताओ, पहला ऑप्शन है r=1, और r तो आपको पता है क्या होता है, r मतलब a/2√3 होता है, और 2 तो देखो ये तो r है, तो सीधा देखते नहीं पता चल गया r/2 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, c। और ये हर, आपको ऐसा मत सोचना कि सर ये c वैलिड हो रहा है और d भी वैलिड हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, एक ही वैलिड होगा, बिकॉज इट इज वैलिड फॉर ऑल ट्राइंगल। बच्चों आया सन में, तो चलिए बच्चों ये मैंने पूरा आंसर की आपको दी थी, आपने बहुत अच्छा किया। इसमें मुझे सिर्फ लग रहा है कि 2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, तो ये टोटल 10 8 क्वेश्चन में से आपका स्कोर पूरा 8 होना चाहिए क्योंकि कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, इसके बचे हुए 5 क्वेश्चन भी हम करेंगे, साथ में कुछ हम और मॉक टेस्ट की तैयारी करेंगे। तो फिलहाल इतना ही, तबीयत खराब थी पर मेरी इच्छा हो रही थी, बहुत दिनों से बनाया नहीं था। मैं आपके लिए एक GS की भी वीडियो लेके आऊँगा कि GS को हम कैसे स्टार्ट करें, और एक DRDO MTS वालों के लिए भी लेके आऊँगा। ठीक है, फिलहाल इतना ही, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप मानोगे नहीं, मैं पूरा ऑनेस्टली आपको जितने भी हो सकता है मैं सब आपको अपने लेक्चर दूंगा। आप ऐसा करो ना, इसकी प्लेलिस्ट में जाओ और आप देखो मैंने कितने सारे चैप्टर्स जो मुखर्जी नगर में पढ़ाए हैं उसकी रिकॉर्डिंग डाल रखी है, बहुत गजब गजब के, आप उससे पढ़ो, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आपको। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से पढ़ो, जल्दी से एग्जाम निकालो, बाय बच्चों।